सो हेलो गाइज, मेरा नाम नीतीश और आप देख रहे हैं एनके स्मार्ट टिप्स चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइबर किस तरह से हाइड किए जाते हैं और सब्सक्राइबर हाइड करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सारी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइज़, अभी बात कर लेते हैं कि सब्सक्राइबर क्यों हाइड किए जाते हैं। तो सब्सक्राइबर्स इसलिए हाइड किए जाते हैं, अगर कोई नया बंदा आपके चैनल पर विज़िट करता, आपके कोई वीडियो देखता है, तो आपके चैनल पर वो कम सब्सक्राइबर देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। उसको लगेगा कि इसके चैनल पर नॉलेज नहीं है, इसलिए इसके कम सब्सक्राइबर। अगर आपके चैनल पर नॉलेज है तो भी वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो इसकी वजह से आपको अपने सब्सक्राइबर हाइड रखने चाहिए। तो अभी बात कर लेते हैं कि सब्सक्राइबर हाइड किस तरह से किए जाते हैं, तो वो तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हमें अपना क्रोम ओपन कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना क्रोम ओपन कर लिया, और उसके बाद आपको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना। तो youtube.com आपको आप लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी मेरा नेट स्लो है तो इस वजह से थोड़ी लोडिंग हो रही है। तो इसके बाद हमें करना क्या, हमें अपने YouTube चैनल के लोगो पे क्लिक कर देना, और लोगो पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कर देना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कर दिया, अभी हमें जाना कंटिन्यू टू स्टूडियो पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने YouTube स्टूडियो में आ चुका हूँ, और उसके बाद मैंने अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लिया, और उसके बाद सिंपली हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना चैनल पे। चैनल पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो मैं चैनल पे आ गया हूँ। चैनल पे आने के बाद आपको एक सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग। को आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है डिस्प्ले द नंबर ऑफ सब्सक्राइब टू योर चैनल। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक टिक लगी होगी, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर कर वो टिक हटा देनी है। तो आपको सेव पर क्लिक करके वो उसे सेव कर देना है। गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ लग भी गया होगा कि सब्सक्राइबर किस तरह से हाइड किए जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ लग गया होगा कि सब्सक्राइबर किस तरह से किस तरह